निदेशक माननीय अनुराग जी सक्सेना आप पधारे और स्वराज दिवोत्सव एवं स्वराज गौरव यात्रा का प्रतिवेदन माननीय अतिथियों के सामने प्रस्तुत करें आदरणीय अनुराग जी। तो महाराणा प्रताप की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आप देखें भव्य कार्यक्रम। भारत माता की, भारत माता की, महाराणा प्रताप की। आज प्रताप गौरव केंद्र में हम सभी के लिए बहुत आनंद का विषय है कि हमारे बच्चे में हम सभी के पूज्य संत माननीय श्री श्री महाराज पधारे हैं। तो सबसे पहले उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय अखिलभारतीय गौ सेवा प्रमुख अजीत जी महापात्र, भारतीय जनता पार्टी के तेजस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश पुनिया जी, महाराणा प्रताप गौरव केंद्र में आज भव्य कार्यक्रम महाराणा प्रताप की जन्म महोत्सव पर आप देखें कि 482 जन्म जयंती पर देखें भव्य कार्यक्रम जो है प्रताप गौरव केंद्र उदयपुर में ये चल रहा है। और देखिए नगरवासी इसको देखने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाए हैं और सभी गौरव केंद्र की ओर धीरे धीरे ताता जो है वो बढ़ता जा रहा है। अतिथिगण, माताओं, बहनों और बंधुओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं विगत 6 वर्षों से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति के सौजन्य से प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ अपनी पूरी तेजस्विता के साथ काम कर रहा है। प्रताप गौरव केंद्र का जन्म ना केवल महाराणा प्रताप की कहानियों को, महाराणा प्रताप के जीवन चरित्र को सामने रखने के लिए हुआ है, तो प्रताप गौरव केंद्र इस मेवाड़ में ही नहीं तो पूरे भारत, पूरे विश्व में महाराणा प्रताप को जन जन तक पहुंचाने के अपने कार्य में संलग्न है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम इस मेवाड़ की भूमि पर हमने जन्म लिया है, यहां हम कार्यरत हैं, यहां इस भूमि में हम सांस ले रहे हैं, क्योंकि जिसके कण कण में शौर्य, बलिदान, त्याग और तपस्या की गाथाएं छुपी हुई हैं, बुनी हुई हैं, ये ऐसी भूमि है जहां स्वतंत्रता के अग्रदूत देदीप्यमान स्तोत्र महाराणा प्रताप ने जन्म लिया था। ऐसे महाराणा प्रताप की भूमि पर जन्म लेने का, काम करने का सुअवसर हमको मिला है, यह हमारे जीवन का बहुत बहुत सौभाग्य है। प्रताप गौरव केंद्र, जैसा मैंने कहा, विगत 6 वर्षों से काम कर रहा है। यह जो स्थान आप देख रहे हैं, इस स्थान पर प्रताप गौरव, इस स्थान पर महाराणा प्रताप ही नहीं तो मेवाड़ और राजस्थान से लेकर पूरे देश के विभिन्न हिस्सों की अनेकों घटनाओं को सजीव रूप में दिखाने का एक प्रयत्न किया गया है, जिसके माध्यम से आने वाली नई पीढ़ी को इस देश की ऐसी भूली बिसरी घटनाएं, प्रसंग ना केवल मालूम पड़े बल्कि उनके जीवन में वो प्रेरणा भर सके, देशभक्ति का संकल्प जागृत कर सके। इसी क्रम में समय समय पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति और प्रताप गौरव केंद्र अनेकों प्रकार के आयोजन करते रहते हैं। इस वर्ष स्वतंत्रता का 75वां वर्ष हम मना रहे हैं। इस स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को मनाने के लिए, स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए प्रताप गौरव केंद्र ने संकल्पित होते हुए पूरे 1 वर्ष के कार्यक्रमों की श्रृंखला स्वराज 75 को करना तय किया और लगातार कई कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के प्रबोधन,
और राष्ट्र निर्माण के अपने कार्य में प्रताप गौरव केंद्र विभिन्न प्रकार से पिछले एक वर्ष से स्वराज 75 के कार्यक्रमों की श्रृंखला में संलग्न है। उसी कड़ी में यह स्वराज गौरव यात्रा विगत 19 मई से लेकर 2 जून यानी महाराणा प्रताप की इस जन्म जयंती ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को संपन्न होने जा रही है। यह जो स्वराज गौरव यात्रा है, जैसा कि आपने अभी चित्रों के माध्यम से उसे देखा है, देखने में तो वो चित्र शायद एक जैसे लगते होंगे, लेकिन यह यात्रा, इसके 2 प्रमुख चरण थे। पहले चरण में प्रमुख यात्रा थी और उसकी कई उप यात्राएं भी थी। लगभग 28 उप यात्राएं पूरे मेवाड़ में, मेवाड़ अगर जब हम कहते हैं तो हमने जो तय किया वो यह तय किया जो महाराणा प्रताप की प्रमुख रूप से कर्म भूमि रहा, यानी वर्तमान में उदयपुर जिला और राजसमंद जिला, सरकारी दृष्टि से उन 2 जिलों में ये यात्रा केंद्रित रखकर की गई। हमारा प्रयत्न था कि अधिकतम गांवों तक ये यात्रा पहुंचे, इसलिए एक प्रमुख रथ बना जो 19 मई को महाराणा प्रताप की राज तिलक स्थली गोगुंदा से रवाना हुआ और प्रत्येक खंड यानी ब्लॉक लेवल तक वो रथ गया। महाराणा प्रताप के सभी प्रमुख स्थान और निकटवर्ती ऐसे स्थान जो समाज को, हम सभी को प्रेरणा देते हैं, ऐसे स्थानों पर भी उस रथ का जाना हुआ। लगभग 60 ऐसे स्थान थे जहां उन प्रमुख रथ का को जाना था। उन 60 स्थानों पर सभाओं के कार्यक्रम हुए, लेकिन जब वो रथ चलता था तो बीच बीच में बहुत से ऐसे स्थान थे जहां स्वागत का अवसर हुआ और विशेष रूप से उदयपुर शहर में, उदयपुर महानगर की 9 बस्तियों में भी बहुत भव्य स्वागत के कार्यक्रम पिछले 2 दिनों में संपन्न हुए हैं। तो पूरा आंकड़ा आना तो अभी बाकी है, लेकिन ऐसा लगता है लगभग मुख्य रथ की अगर बात करें तो 150 के लगभग स्थानों पर स्वागत के कार्यक्रम संपन्न हुए हैं और 60 से अधिक सभाएं हुई हैं। इन सभी कार्यक्रमों में कम अधिक करके 50,000 के आसपास पुरुष और स्त्रियों ने भी कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पर भाग लिया है। लगभग 50,000 लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। अगर हम बात करें उप यात्राओं की तो ऐसी 28 उप यात्राएं थी जो 800 से अधिक ग्रामों में अपना यात्रा पूरी करके आई हैं। जिस खंड में उप यात्रा समाप्त होती थी वहां पर मुख्य रथ पहुंचता था, ऐसा एक क्रम निर्धारण किया गया था। कई प्रमुख स्थान जैसे नाथद्वारा, राजसमंद, सलूम्बर, मावली, कोटड़ा, झाड़ोल, ऐसे बड़े जो प्रमुख कस्बे हैं उनमें बहुत बड़ी बड़ी सभाएं हुई। गोगुंदा जो उद्घाटन कार्यक्रम था वो तो बहुत भव्य कार्यक्रम था। यह जो यात्रा थी, इस यात्रा ने स्वराज का संदेश देने का प्रयत्न किया है, स्वराज का गौरव जगाने का प्रयत्न किया है। हमारा यह प्रयत्न था कि जो ऐसे भूले भटके क्रांतिकारी हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, वो समाज के सामने लाए जा सकें। उस दृष्टि से स्थान स्थान पर सभाओं में अनेकों वक्ताओं ने अपना विषय रखा। सब मिलाकर लगभग 35 से अधिक वक्ताओं ने विषय का प्रवर्तन किया। स्थान स्थान पर स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में कार्यक्रम में जुड़ते थे, अपनी बात रखते थे। जहां जहां भी सभा जाती, ये यात्रा जाती थी, वहां यात्रा का ना केवल बड़ी जोरदार स्वागत होता था बल्कि उनको ऐसा लगता था महाराणा प्रताप स्वयं चलकर आ रहे हैं और महाराणा प्रताप के प्रति सोया हुआ जो हमारा एक प्रेम, महाराणा प्रताप के प्रति सोया हुआ जो हमारा एक गौरव है, उसके जागरण का एक बड़ा काम स्वराज गौरव यात्रा के माध्यम से हुआ है। ये एक प्रारंभ है, ये प्रारंभ बहुत भव्य है, बहुत सुंदर है, लेकिन प्रताप गौरव केंद्र का उद्देश्य इससे कहीं विराट है, विशाल है। क्योंकि प्रताप गौरव केंद्र केवल एक पर्यटन स्थान मात्र नहीं है, तो प्रताप गौरव केंद्र महाराणा प्रताप को जन जन तक पहुंचाने और उनके गौरव को पुनर्स्मरण कराने का एक बहुत बड़ा स्थान बनाने का एक प्रयत्न हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। आप सबके सहयोग की लगातार अपेक्षा रहती है। आज के इस कार्यक्रम में भी आप सभी ने बहुत अल्प समय में हमारे आग्रह को स्वीकार किया।
उसके लिए हम सभी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद करते हैं। स्वाभाविक रूप से आज के कार्यक्रम की दृष्टि से प्रताप गौरव केंद्र को हमें एक घंटा पूर्व ही आज का जो दर्शन का कार्यक्रम है वो कम करना पड़ा है, तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए कल 2 घंटे अधिक यानी रात्रि 8 बजे तक प्रताप गौरव केंद्र दर्शन किए जा सकेंगे। प्रताप गौरव केंद्र की ओर से एक शोध केंद्र भी प्रारंभ होने जा रहा है। हमने एक प्रकाशन की दृष्टि से भी कुछ शोध पुस्तिकाएं, शोध ग्रंथों का प्रकाशन भी प्रारंभ करना निश्चित किया है। हम सभी इस स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का जब समापन करेंगे तो ऐसे 2 महत्वपूर्ण विषयों के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। आज इस अवसर पर एक बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन है, महाराणा प्रताप की जन्म जयंती। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं प्रताप गौरव केंद्र के इस महायज्ञ में आप सभी का सहयोग और समर्थन लगातार मिलता रहेगा, ऐसा हमें विश्वास ही नहीं पूरा ऐसा हमें पूरा विश्वास है, और इस विश्वास को आप लगातार बनाए रखें। इतना कहते हुए अपना स्थान ग्रहण करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अनुराग जी भाई साहब, आपने इस संपूर्ण गौरव यात्रा का वृतांत एवं इस गौरव केंद्र के जो विविध आयाम हैं उन वो सभी मेवाड़ की जन के सामने प्रस्तुत किए हैं। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ श्री वचनों के लिए, और हम सभी जिनके श्री वचनों से लाभान्वित हों।